अन्य हैं राजस्थान के कोटेदार, जिन्होंने अभी तक अनिश्चितकाल हड़ताल जारी रखा। और दोस्तों, यह वीडियो 5 अगस्त को शूट हो रहा है और अभी तक कोटेदारों ने अपने हड़ताल को नहीं तोड़ा है। और दोस्तों, मैं चाहूंगा कि अभी तक वह हड़ताल ही ना तोड़े, जब तक कि सरकार उन लोगों की बातें नहीं मान लेती है। इस बीच मैं एक बड़ी खबर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और खबर बताने से पहले आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के अलावा वीडियो अपलोड नहीं होती है। चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से हमने वीडियो बनाया था कि 1 अगस्त को अनिश्चित हड़ताल होगा, ठीक उसी तरह दोस्तों हड़ताल शुरू है और आगे जारी रहेगी है। सूत्रों के हवाले से पता चला है दोस्तों कि वहां के जो खाद्य मंत्री हैं, श्रीमान सुमित गोदारा जी से हमारे संगठन के लोग मुलाकात करने वाले हैं। हम लोगों का मुलाकात दोस्तों एक शर्त पर होगा कि या तो हमको 20 या 30 हजार मानदेय दे। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो यह अनिश्चितकाल हड़ताल जारी रहेगा और 28 हजार परिवारों का भरण पोषण पर विराम लग जाएगा। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इसी तरह से उत्तर प्रदेश और तमाम राज्य के कोटेदार भी करें, ताकि उनको भी उनका हक और मान सम्मान मिले और वह भी अपने जीवन को आसानी से बिता सके, अपने बाल बच्चे अपने तमाम सुख सुविधाओं का लाभ ले सके। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें।